तू मुझे आज मैं बोला मैं तेरा के देख लूं तेरा काबा यार बे मुस्तफा मुझे आज बे बोला मैं आग पे देख लूं आगे तेरा काबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी सुबह का वक्त है, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए अंगीठी में ये कोयले डाले हुए। सुबह सुबह हम लोग ये डाल के रख देते हैं, फिर साथ ही पास बैठ के सब नाश्ता भी कर लेते हैं और किचन गर्म भी रहता है। तो मैंने अभी नाश्ता कर लिया, अभी मैं चाय पीने लगी हूँ। तो अभी करीबन 11 बजे का वक्त है, हम लोग दोपहर का खाना बनाने लगे हैं। तो आज हम दोपहर के खाने में शलजम और पालक बना रहे हैं, इकट्ठा मिक्स करके बना रहे हैं। तो चलो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी इसमें सुरख मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है और सालन मसाला डाला है, हल्दी डाली है थोड़ी सी और ये नमक। अच्छे से मिक्स करके इसको भी देखें, इसमें टमाटर भी डाल दिए। साथ में इसमें मेथी भी डाली है, अभी मेथी डाली हुई है। इसको अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। अभी ये भून चुकी है, अभी इसमें हम पालक डालेंगे। पालक को हाथ से ग्राइंड कर लिया, ये देखें इसमें लहसुन ग्राइंड करते हैं उसी में हाथ से किया है। और ये देखें शलजम को इस तरह से कट कर लिया है। अभी पालक भी भून चुका है, बस अब इसमें शलजम डालेंगे। एक शलजम पूरा ही चला गया उसके अंदर, काटा ही नहीं है, उसको फिर से काट लेंगे। बस अभी शलजम गल जाएंगे तो सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि शलजम गल जाए अच्छे से। कल मेरी बेटियों का रिज़ल्ट भी आया है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं उनके और पोजीशन भी आई है। मैं आपके सारे रिजल्ट कार्ड शेयर करती हूँ उनका। तो अभी शाम का वक्त है, अभी हम पकोड़े बना रहे हैं। इसमें बैंगन डालें बारीक कट करके और आलू डालें और उसका मसाला जो नॉर्मली जो पकोड़ों में चीज़ें डालती हैं वही डाली हैं। ये देखें इसमें बैंगन भी हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ें डाल के। तो साथ में चाय बनाइए, ये देखें। पकौड़े भी बन रहे हैं, अभी फ्राई हो जाएंगे तो फिर चाय के साथ सब खाएंगे।
सर्दियों में बस ये होता है कि आग के पास बैठे रहें बस। गर्मियों में जितना आग से दूर भागते हैं, सर्दियों में उतना ही आग अच्छी लगती है कि गर्म रहें गर्म। इस वजह से सबको चूल्हे के पास बैठना या अंगीठी के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, देखें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है और सही क्रिस्पी अच्छे मज़े वाले बने हैं। बाद पकौड़ों के बाद अभी चावल बनाए हैं, तो अब इनको दम पे रखने लगे हैं। इनमें आलू भी डाले हैं। आज की वीडियो बस, अभी मगरिब होने वाली है। आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तेरा के देख लूं तेरा काबा, यारा बे मुस्तफा मुझे आज बे बुला। मैं आग देख लूं आ आगे तेरा काबा।